250। और ये फजरी आम है, देखें दोस्तों बड़े बड़े आम। किस तरह किलो है ये? 120 रुपए किलो फजरी आम, 120 रुपए किलो है। अचार भाई ये किस तरह किलो है? अचार 100 रुपए किलो। भाई जान जामुन किस तरह किलो है? 120 रुपए किलो। ये इसको निकालो, देखिए दोस्तों ये आधे किलो से ज्यादा का होगा ना भाई। ये आम कौन सा है, किस किस्म का है, ये कौन सा आम है? चौसा, सफेद चौसा तो नहीं। 150 का किलो, 250 रुपए किलो। अस्सलाम दोस्तों, एक मरतबा फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आप सब दोस्त आप आपको वेलकम, खुश आमदीद और जी आया बोलता हूँ। दोस्तों आज जुम्मा का बाबरकत दिन है, तो आप सब दोस्त आप आपको जुम्मा मुबारक। अभी मैं अपने टाउन में आया हुआ हूँ, यहाँ पे जुम्मा बाजार लगता है। अभी टाइम तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा आज लेट हूँ। मैंगो मैन हूँ, आम आदमी हूँ। आज आम के हवाले से देखेंगे कि हमारे इस छोटे से टाउन में कितनी अकसाम के आम हैं, और बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो उनके भी रेट्स चेक करेंगे, और टमाटर भी पूछेंगे कि उनका रेट क्या चल रहा है। मैंने सुना है हिंदुस्तान में 200 रुपये किलो, यानी पाकिस्तानी 620-630 रुपये बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी सस्ते हैं। तो चल के देखते हैं क्या रेट चल रहे हैं, और आप लोगों के साथ सारे मनाजर शेयर करेंगे, सारा माहौल शेयर करेंगे, और आम की आजकल जो वैरायटीज आ रही हैं यहाँ हमारे गांव में वो दिखाएंगे और उनके रेट्स पूछेंगे। चौंसा का आजकल सीज़न है, 2-3 किस्मों के चौंसे हैं, चौंसा आम है। तो चलें जी फिर चलते हैं। दोस्तों अभी खजूर भी मार्केट में आ चुकी है, भाई से पूछते हैं। ये भाई खजूर किस तरह है? 150 रुपये किलो। बोनलेस है ये, गुठली वाली है या बगैर गुठली के है? बगैर गुठली। तो दोस्तों ये 150 रुपये किलो खजूर, और आज हमारी ख़ास नज़र रहेगी आम के ऊपर, देखते हैं कितनी किस्मों के हैं, क्योंकि छोटा सा शहर है यहाँ इतनी वैरायटीज़ नहीं होंगी। ये सेब है, सेब ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, सेब किस तरह? सेब 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो सेब। और ये आड़ू? आड़ू भी 150 रुपये किलो। और ये खुबान? 250 रुपये। ये 250 रुपये खुबान भी 250 रुपये किलो। चलें जी ये प्याज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्याज किस तरह किलो है? नहीं नहीं हाँ किलो किस तरह है जी? 40 रुपये किलो। दोस्तों 40 रुपये किलो है प्याज, 40 रुपये किलो, यानी इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए तो 13-14 रुपये किलो बनते हैं। आम है, आम देखते हैं। ये पहली रेडी हमें नज़र आई है भाईजान। ये आम कौन से हैं? चौंसा। ये सफ़ेद चौंसा तो नहीं है? नहीं, काला। काला चौंसा है। तो कितने का किस है? 100 रुपये। दोस्तों 100 रुपये किलो काला चौंसा। और ये टमाटर है, टमाटर किस तरह किलो है? 100 रुपये। 100 रुपये किलो। इंडियन रुपीज़ की अगर बात की जाए तो ये 33 रुपये किलो बनते हैं। और ये करेला किस तरह है? करेला 100 के 1.5 किलो। 100 के 1.5 किलो, 100 रुपये का 1.5 किलो करेला। भाईजान ये आम चौंसा है? सफ़ेद चौंसा। किस तरह किलो? ये आ गया 120 रुपये किलो। दोस्तों सफ़ेद चौंसा 120 रुपये किलो। और ये 100 रुपये। ये चौंसा है? ये काला चौंसा है। काले चौंसी की ये निशानी है, ये थोड़ा सा हरा हरा होता है, और जो सफ़ेद चौंसा है ये थोड़ा सा वाइटिश कलर में है, देखें हल्का सा। तो दोनों 120 रुपये किलो है। 100 रुपये 120 रुपये। एक गोल्डन चौंसा भी होता है ना? हाँ चलें, गोल्डन वैसे कहने हैं, चिटन होते हैं। चलें ठीक है, आगे चल के देखते हैं। दोस्तों ये आम है, भाई से पूछते हैं, भाई कौन से है? देसी चौंसा। दोस्तों ये देसी चौंसा है, चौंसा की बहुत सारी इकसाम होती है, गोल्डन, सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा और देसी चौंसा। तो ये देसी चौंसा है। ये किस तरह किलो है? 130 रुपये। तो ये काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। चलें ये आगे चलते हैं फिर देखते हैं। ये किस तरह किलो भाई? 100 रुपये किलो। हरी मिर्च 100 रुपये किलो। प्याज 180 रुपये की 5 किलो। 180 रुपये के 5 किलो।
सेब किस तरह है? 100 रुपये किलो। और ये भी 100 रुपये? 150। ये 150 रुपये और ये 100 रुपये किलो। टमाटर किस तरह किलो भाई? 80 रुपये। 80 रुपये। और भिंडी? 100 रुपये। 100 रुपये किलो। अच्छा, और ये 80 रुपये किलो? 80 रुपये किलो टमाटर। दोस्तों ये है देसी खुबानी। देसी खुबानी भाई किस तरह किलो है? 180 रुपये किलो। और ये आलू बुखारा, आलू बुखारा किस तरह है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और ये आम, बड़े हैवी किस्म के आम है, देखें देखें दोस्तों, ये आधे किलो से ज्यादा का होगा ना? कितने के, कैसा किलो है? 150 रुपये किलो। ये कौन सी किस्म है? फजरी। ये ज्यादातर मिल्क शेक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, फजरी। तो शुक्रिया भाई। टमाटर 80 रुपये से 100 रुपये किलो है यहाँ पे, और भिंडी भी 100 रुपये किलो। भाईजान ये आम कौन सा है, किस किस्म का है, ये कौन सा आम है? चौसा। सफेद चौसा तो नहीं? किस तरह किलो है? दोस्तों ये काला चौसा है, 150 रुपये किलो है। तो ये तुराई किस तरह भाई? तुराई 100 रुपये किलो। और बैंगन? ये 100 रुपये किलो। और कद्दू? 100 रुपये के 1.5 किलो कद्दू। और ये करेला 100 का 1.5 किलो। भिंडी? दोस्तों भिंडी भी 100 रुपये किलो। और आलू? 100 का 1.5 किलो आलू। भाई जान केला किस तरह दर्जन है? केला किस तरह? 120 रुपये। और ये सेब? ये सेब 100 रुपये किलो, और केला 120 रुपये दर्जन है। और ये छोटे साइज के आम है भाई जान, ये आम कौन सा है? अनवर रटोल। अनवर रटोल। और ये किस तरह किलो है? दोस्तों ये अनवर रटोल, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। और 120 रुपये किलो अनवर रटोल, ये देखें। सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। फलियां किस तरह किलो है? पता नहीं, रेट का नहीं पता यार, रेट का नहीं पता। और खीरा? 120 रुपये किलो। और खीरा? 80 रुपये किलो। चलो ठीक। ये अचार वाले आम है? अचार वाला लेके आया। ओ यार गिर गया सर, हैं अचार भाई। ये किस तरह किलो अचार? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। पक्का हुआ भी 100 रुपये का, और कच्चा भी 100 रुपये किलो। चलें। और ये लीमू? ये लीमू भी 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। ये जामुन भाई जान, जामुन किस तरह किलो है? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो जामुन। ये आम बहुत जबरदस्त, ये फजरी है ना दोस्तों, फजरी बहुत हैवी आम है। और ये ये सफेद चौसा 120 रुपये। अच्छा, सबसे बेहतरीन आम कौन सा होता है? सफेद चौसा। और गोल्डन चौसा? गोल्डन इससे नीचे है, वो उसमें तंदू होती है। अच्छा, अव्वल है ये चीज है, उसके बाद वो। ये किस तरह किलो है? 150 रुपये किलो। शुक्रिया भाई। गर्मी वाली बनाना। ये देखिए दोस्तों, चौसा है ना, सफेद चौसा माशाल्लाह। किस तरह किलो? 150 रुपये 250 रुपये। और ये फजरी आम है, देखें दोस्तों बड़े बड़े आम। किस तरह किलो है ये? 120 रुपये किलो फजरी आम, 120 रुपये किलो। और ये क्या ले जाए, किस तरह किलो? 200 रुपये। आम कौन सा है? ये चौसा छोटा है। हाँ भाई जान क्या हाल है? आलू किस तरह किलो है? 80 रुपये किलो। भिंडी? चलो सही है, शुक्रिया भाई। 150 रुपये किलो ये सेब है। और ये आम?
ये किस तरह? ये 150 का किलो, 2 किलो 250। 150 का किलो। सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? अंगूर आ चुका है। किस तरह किलो? 400 अंगूर, 400 रुपये किलो, बहुत ही फ्रेश माशाल्लाह। और ये सफेद चौंसा है ना, ये 250 रुपये किलो, 200 रुपये, 150 रुपये। ये क्यों 250 रुपये किलो? ये महंगा। अच्छा, ये चौंसा 250 रुपये किलो है। और आगे चलते हैं, भाईजान जी, भाईजान ये जामुन किस तरह किलो है? 150 रुपये। और ये 300 रुपये बुखारा, 300 रुपये। ये आलू बुखारा तो नहीं है? आलू बुखारा, ये प्लम है ना। ये किस तरह किलो है? 300 रुपये किलो प्लम। ये सामने एक रेड़ी है केलों की, भाईजान ये किस तरह दर्जन केले है? 150 रुपये। 150 रुपये सब, 150 रुपये। और अंगूर 200 रुपये, 200 रुपये किलो अंगूर, 200 रुपये किलो, और केला 150 रुपये दर्जन। ये हमारे ये टाउन के मनाजिर हैं, जुमा बाज़ार लगता है हर जुमा को। भाईजान क्या हाल है? ठीक हो? कि मुझे भूख लगी है तो ये मैंने सीखें बोली हैं और कबाब, एक सीख 30 रुपये की है ना, 30 रुपये की। और ये चपली कबाब किस तरह? वो भी 30 रुपये का, 30 रुपये का। तो ये सीखें, आप फ्राई क्यों करते हैं? जायका तो नहीं आता ना फिर वही कोयले वाला? नहीं नहीं, टेंशन ही ना, अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, और ये पीस कितने का है जो लेग पीस है? 200 रुपये का। चलें जी, भाई साहब खा रहे हैं। तंदूर वाली रोटी नहीं है, चप्पल वाली। अच्छा, दोस्तों ये आ चुका है मेरा खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो दोस्तों मैं अभी अपने घर पहुंच चुका हूं जुमा बाज़ार से। उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। आज मैंने कोशिश की है कि जो हमारे टाउन में मुख्तलिफ वैरायटी के आम हैं, मैंगोज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा और शहरों की तरफ मैं रुख करूँगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। मौसम देखिए, मौसम बड़ा क्लाउडी हो चुका है, हल्की हल्की आंधी भी चल रही है और बारिश के इम्कान बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह किसी और ज़बरदस्त व्लॉग में हाजिर हूँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।